हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायो टीचर रोशन सर। डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल नो वेरी वेल नाउ द डेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 17, इट मीन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इट मीन इन योर एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 270 देयर इज अ फर्स्ट हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। So let's see, in this topic we will totally discuss about how to we take the atmospheric air into our lungs or in our alveoli, and how can we release out the alveolar air to atmosphere। Okay, so इन सब चीज़ों के बारे में डियर स्टूडेंट्स बहुत इजीली वे में मैं आपको बोर्ड पे समझा चुका था कि जो ब्रीथिंग करने का, सांस लेने का जो मैकेनिज्म मींस जो इसका स्टेप्स होता है, चरण होता है, वो कितना मैंने आपको बताया था, मेनली टू, इन रिस्पायरेशन एंड एग्ज रिस्पायरेशन, और दोनों के बारे में बहुत ही इजीली वे में मैं आपको बोर्ड पे समझा दिया था। ओके, सो अगर आपको लर्न होगा ठीक से तो आज आपको लाइन टू लाइन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, सो लेट्स सी, लिखा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के जो ब्रीथिंग के मैकेनिज्म होते हैं वो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप, इन रिस्पायरेशन एंड एग्ज रिस्पायरेशन। ओके, सो लिखा है ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेज, क्लियर है, इन रिस्पायरेशन एंड एग्ज रिस्पायरेशन। इन रिस्पायरेशन क्या है, लिखा इन रिस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, मतलब जब क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर जो हमारे वातावरण में फैली हुई गैसें हैं इनको हम क्या करते हैं, ड्रॉन इन, अंदर लेते हैं, तो क्या होता है, इन रिस्पायरेशन। एंड एग्ज रिस्पायरेशन बाय विच, जिसके द्वारा द एल्वोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, जिसके द्वारा क्या होता है, एल्वोलर एयर जो एल्वोलाई में पाए जाने वाले गैसेस हैं इनको क्या किया जाता है, रिलीज्ड आउट किया जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट लाइन लिखा द मोमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमोस्फियर। मीन्स जो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच है ना, लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच जो गैस होता है, जो गैसेस होती हैं इन, ये एक ना दाब क्रिएट करती हैं, एक प्रेशर क्रिएट करती हैं, है ना, जो क्या होता है मींस कि जो एयर होते हैं हमारे लंग्स में तक जाते हैं और लंग्स से फिर आउट किए जाते हैं कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, तो इनकी जाने और आउट होने मींस इनटेक एंड आउट फ्री होने में इसके बीच में एक प्रेशर बनता है, ठीक है, तो उसी प्रेशर को कह रहा है क्या, प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, समझ रहे हैं। फिर लिखा इन रिस्पायरेशन कैन अकर, जो इन रिस्पायरेशन है वो होता है कब होता है, इफ द प्रेशर, जो इन दोनों के बीच में जो प्रेशर बन रहा है लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में जो एयर्स हैं इसका जो प्रेशर बन रहा है, इसमें कह रहा है इन रिस्पायरेशन कब होता है, जब प्रेशर, वही प्रेशर जिसकी बात हुई है अभी, वो प्रेशर क्या होगा, विद इन द लंग्स इज लेस देन। मैं ये चीज़ें भी आपको समझाया था कि इन रिस्पायरेशन तभी हो सकता है जब एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्वोलर एयर। मीन्स एल्वोलर एयर में जो प्रेशर बनेगा एल्वोलर एयर की गैसों से, उनसे जो प्रेशर बनेगा वो क्या होगा कि कम होगा एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर से, समझ रहे हैं। मीन्स एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा तब जाके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से गैस बाहर से अंदर ले सकते हैं। एंड जब प्रेशर यहाँ हमारे एल्वोलर एयर का ज़्यादा रहेगा तब हम आसानी से एग्ज रिस्पायरेशन कर सकते हैं। ओके, सो वही लिखा है कि इन रिस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, है ना, या फिर इसी को लिखा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन,
क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मींस लंग्स में जो गैसें इनका प्रेशर क्या होगा, लेस देन किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, देन क्या होगा, इंस्पिरेशन। कह रहा देयर इज अ निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसके निगेटिव प्रेशर यहाँ पे होगा, कहाँ पे, हमारे लंग्स में। कह रहा सिमिलरली इसी प्रकार इज रिस्पायरेशन टेक प्लेस, इज रिस्पायरेशन होता है कब, वेन, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब हमारे लंग्स में जो एयर है इनका जो प्रेशर है ये क्या होगा, हायर देन, हायर होगा देन किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा और यहाँ का हमारे एल्वोलर एयर का प्रेशर अधिक होगा, देन क्या होगा, इजी रिस्पायरेशन। ओके, कह रहा द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स। अब देखिए यह किसके कारण होता है, जो कंसंट्रेशन बनता है इन दोनों गैसों के बीच का, जो एक मेंटेनेंस बनती है प्रेशर का, वो किसके कारण होता है, ये आपके डायफ्राम और स्पेशल टाइप के आप मसल्स का सेट होता है जिसके कारण क्या होता है, इसको मेंटेन किया जाता है, प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। तो ये लिखा द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, और उसी को लिखा एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल बिटवीन द रिब्स, जो हमारी पसलियाँ होती ना इसके बीच में क्या होता है, दो आर्गन होता है, एक क्या आपका डायफ्राम और स्पेशल टाइप के मसल्स का सेट होता है, ये दोनों क्या करते हैं, देखिए लिखा है हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, है ना, इस प्रकार की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, इस प्रकार के प्रेशर को बनाए रखने के लिए हेल्प करते हैं क्या क्या, डायफ्राम एंड स्पेशल टाइप के मसल्स का सेट, है ना, सो उसी को लिखा स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स। ओके, देन नेक्स्ट लाइन लिखा है इनरेस्पायरेशन इज इनिशिएटेड, इनरेस्पायरेशन कब शुरू होता है, बाय द कंसंट्रेशन ऑफ डायफ्राम, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जब डायफ्राम हमारा क्या होता है, संकुचित होता है, सिकुड़ता है, फिर फैलता है, मीन्स एक बार फैलेगा फिर देन प्रेशर क्रिएट करेगा, तो उसी को कह रहा है इनस्पायरेशन इनिशिएट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम के संकुचन होने से क्या होता है, इनस्पायरेशन शुरू होता है, लिखा है ना, इनस्पायरेशन इज इनिशिएटेड, इनस्पायरेशन शुरू होता है कब, बाय द मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से, विच इंक्रीज, जो इंक्रीज करता है द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्सिक चैम्बर इन द एंटेरियो पोस्टर एक्सिस, है ना, आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम, अगर नहीं देखिए एक बार क्या होता है, जब हम सांस अपने बॉडी में भरते हैं अंदर, तो हमारा जो थोरैक्सिक ये रीजन होता है, ये रिब्स पसलियों वाला जो रीजन होता है, ये थोड़ा सा फूल जाता है ना, सीना चौड़ा हो जाता है जब हम सांस लेते हैं, फिर एक बार जब छोड़ते हैं तो फिर संकुचित होता है, मतलब ये चीज़ होता है ना, तो उसी को कह रहा है कि एक बार देखिए उसी, अभी आगे हम पढ़ेंगे ये चीज़ समझ में आएगा, तो ये कह रहा है इनरेस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम के कंट्रैक्शन से शुरू होता है, विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्सिक चैम्बर इन द एंटेरियो पोस्टर एक्सिस, जो हमारा थोरैक्सिक चैम्बर होता है इसमें एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस वाले रीजन में क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, किसका वॉल्यूम, गैस के प्रेशर का। ओके, सो इसका रीजन भी, क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कह रहा द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लिफ्ट अप, अब क्या कह रहा है कि जो आपका देखिए एक डायफ्राम था, डायफ्राम संकुचित हो रहा है, अब मसल्स क्या करेगी, जो मसल्स होती है ये लिफ्ट करेगी, लिफ्ट अप द रिब्स, रिब्स मतलब पसलियों को क्या करेगा, जो हमारे सीने में 12 पेयर्स रिब्स हैं इनको क्या करेगा, थोड़ा सा कुछ अप करेगा, लिफ्ट अप करेगा मींस उठाएगा, देन क्या करेगा, स्टर्नम काजिंग, स्टर्नम सबसे पहले आप जान जाइए स्टर्नम क्या है, हमारी जो रिब्स हैं ना पसलियाँ, ये
दोनों जाके बीच में हमारे सीने से जुड़ी है ना, एक इधर लेफ्ट से भी आ रही हैं, राइट से भी आ रही हैं, आके बीच में जुड़ी हैं। जो सीने को, सीने के बीचों बीच हड्डी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम। ठीक है, तो अब इसी को कह रहा है कि स्टर्नम से जा जा के हमारी सारी रिब्स क्या होती हैं, आके बाइंड होती हैं। तो उसी को कह रहा है कि स्टर्नम काजिंग एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेक्सिक चैम्बर इन द डार्सो वेंट्रल एक्सिस, वहाँ पे भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओके, कर द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम काज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक इसी तरह से जब हमारा थोरेसिक रीजन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो ठीक इसी प्रकार हमारे जो लंग्स का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स जब हम सांस लेंगे तो हमारा क्या होगा कि एक बार रिब्स के बीचों बीच जो होगा हमारा लंग्स, उस लंग्स में एयर जाएगी, भरेगी, तो एयर का वॉल्यूम, सॉरी लंग्स का वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। और वो कब इंक्रीज करेगा, जब हमारा कंट्रैक्शन हो, इसके डायफ्राम के कंट्रैक्शन होने के कारण क्या होगा कि पसलियों का भी वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसको क्षेत्र मिलेगा फैलने के लिए, तो हमारा लंग्स भी क्या होगा, थोड़ा सा उसका भी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ओके, सो वही लिखा, सिमिलरली इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक उसी तरह पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाता है। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कह रहा है जब एक बार पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो तो डिक्रीज हो जाएगा ना, उसी को कह रहा है कि एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक चीज़ जान जाइए, फिर से हम समझा रहे हैं, देखिए एक बार जब हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो स्थान बढ़ेगा ना, जैसे जब हमारे लंग्स का रीजन एक बार इंक्रीज करेगा तो उसमें गैसों को ज़्यादा मात्रा में आने के लिए स्थान बढ़ेगा, तो यहाँ का प्रेशर कम ना होगा, और प्रेशर कहाँ का तब ज़्यादा होगा, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तब ज़्यादा होगा, क्योंकि तब वहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गैसें आसानी से अंदर आ सकती हैं हमारे लंग्स में। तो जब भी हमारा लंग्स में स्थान थोड़ा सा बढ़ेगा, किसके कारण, जब हमारा थोरैक्सिक रीजन का वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो हमारा लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा देन क्या होगी कि गैसों को आने के लिए जगह ज़्यादा मिलेगी, जगह ज़्यादा मिलेगी तो यहाँ का प्रेशर कम होगा और एटमॉस्फेयर का प्रेशर अधिक होगा, तो एटमॉस्फेयर से गैसें आसानी से अंदर आएंगी। ठीक है, उसी को कह रहा है। देखिए लिखा है ना कि एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। एक बार जब हमारे लंग्स का क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, देन क्या हो जाएगा, ये क्या डिक्रीज करेगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर अब वहाँ का डिक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हैं। देन कह रहा देन किसके अपेक्षा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। वे गैसें जो फोर्स करती हैं बाहर से कहाँ आने के लिए, लंग्स में आने के लिए। ओके, देन फिर और इस चीज़ का देखिए एग्जांपल भी आपको दिखा रहा है, फिगर नंबर ए पे देखिए, यहाँ पे जो लंग्स का रीजन है ये थोड़ा सा कुछ चौड़ा है, ज़्यादा है। और ये क्यों चौड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो डायफ्राम का कंट्रैक्शन है ना, ये देखिए क्या है कि ये फैल चुका है, डायफ्राम थोड़ा सा फैल चुका है, नीचे की ओर दब चुका है, जिसके कारण लंग्स को हमारे ना जगह मिल रही। तो जब ये थोरैक्सिक रीजन में वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारे लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जो आउटसाइड की गैसें हैं, एटमॉस्फेरिक गैसें, वो आसानी से हमारे लंग्स में आ जा रही हैं, फिगर नंबर ए में। ठीक है, फिर देन कह रहा है, और ये किस क्या है, इनरिस्पायरेशन का फिगर है। देन कह रहा है रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, अब डायफ्राम फिर अपने रिलैक्सेशन स्टेज में आएगा, एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स रिटर्न, अब वो जो मसल्स थी वो रिटर्न आएगी, और अपने पहले वाली अवस्था में, पहले वाली स्टेज में आएगा डायफ्राम, है ना, ऊपर की ओर उठेगा अब, है ना, जब वो क्या करेगा,
देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन लिखा है ना, जब वो रिलैक्सेशन वाली स्टेज में आएगा डायफ्राम तो ऊपर की तरफ उठने लगेगा और मसल्स प्रेशर करने लग जाएंगे हमारे इस पर लंग्स वाले रीजन पे, तो अब यहाँ का प्रेशर अधिक होगा, समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम, ठीक है, टू देयर नॉर्मल पोजिशन, अपने नॉर्मल पोजिशन में रिटर्न आता है एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम। अब थोरेसिक वॉल्यूम को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा एंड देयर बाई द पल्मोनरी वॉल्यूम, और पल्मोनरी वॉल्यूम के भी प्रेशर को क्या करेगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो जब यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तो अब एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कम हो जाएगा ना इसके अपेक्षा, तो यहाँ से आसानी से गैसें आउटसाइड जा सकती हैं, मीन्स अब इग्ज रिस्पायरेशन होगा। इसका भी देखिए एग्जाम्पल दिखा है इग्ज रिस्पायरेशन और फिगर भी बनाया, फिगर नंबर बी। देखिए यहाँ पे लंग्स का रीजन बहुत पतला दिया है, यहाँ से प्रेशर आउटसाइड, प्रेशर ज़्यादा है इसलिए गैसें कहाँ जा रही हैं, आउटसाइड जा रही हैं। और प्रेशर ये ज़्यादा क्यों बना है, क्योंकि जो डायफ्राम है लंग्स को जो सपोर्ट किया है, लंग्स के बेस पे जो ऐसे ना कार्टिलेजनस मसल है ना, जो कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है, ये क्या है, डायफ्राम है। तो ये डायफ्राम जब ऊपर की ओर उठेगा देन क्या हो जाएगा, प्रेशर यहाँ का अधिक हो जाएगा। अपने पहली अवस्था में डायफ्राम के आते ही देन प्रेशर तुरंत यहाँ पे बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो तुरंत एग्ज रिस्पायरेशन होगा। ओके, कह रहा है वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज, हमारे पास एबिलिटी होती है क्या करने के लिए, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इन रिस्पायरेशन एंड इज रिस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन, जो हमारी एडिशनल मसल्स एब्डोमेन में, मतलब पेट के जो उदरी मसल हैं है ना, मतलब पेट में पाए जाने जो मसल्स हैं, इनकी सहायता से हमको इग्ज रिस्पायरेशन और इन रिस्पायरेशन करने में क्या होती है, सहायता होती है, हेल्प होती है। ऑन एन एवरेज ये हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 टू 16 टाइम पर मिनट, एक मिनट में लगभग 12 से 16 बार एक हेल्दी पुरुष क्या करता है, एक हेल्दी ह्यूमन सांस लेता है, ब्रीथ करता है, कितनी टाइम, 12 टू 16 टाइम, 12 से 16 बार एक मिनट में। ओके, कह रहा द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग, वे गैसें जो ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होती है इनके वॉल्यूम को ना मीजर करने के लिए, मापने के लिए एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर। सो वही लिखा है द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मोमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। ओके, सो कह रहा है विच हेल्प, जिसकी जो सहायता करता है इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, पल्मोनरी फंक्शन जो हमारे लंग्स में या जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं ना, जो जो आर्गन इन्वॉल्व हैं उनका जो जो फंक्शन है, तो वो अपना फंक्शन करेंगे, जब वो अपना फंक्शन करेंगे देन क्या हो जाएगा कि तब एक बार इन रिस्पायरेशन होगा देन एक बार एग्ज रिस्पायरेशन होगा, देन जब इन रिस्पायरेशन और एग्ज रिस्पायरेशन होगा उस दौरान गैसों के वॉल्यूम को क्या करने के लिए, मीजरिंग करने के लिए, मीजर करने के लिए, मापने के लिए एक यूनिट का यूज किया जाता है ना, वो क्या होता है, स्पायरोमीटर, समझ रहे हैं आप लोग। सो हमको ये क्लिनिकल, आप जानते हैं क्लिनिकली रूप से भी हेल्प करता है क्या करने के लिए, जानने के लिए कि जो ह्यूमन है ये किस प्रेशर से इसके अंदर ये किस प्रेशर से ये रिस्पायरेशन कर रहा है, मीन्स जिस प्रेशर से आदमी रिस्पायरेशन करेगा उसी प्रेशर के हिसाब से ना उसके लंग्स में एयर्स क्या होंगी, प्रेजेंट रहेंगी, समझ रहे हैं। सो वही हेल्प क्या होता, उसी यूनिट, मतलब जो स्पायरोमीटर है इस यूनिट के माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो एयर्स हैं, जो हमारे पल्मोनरी रीजन में जो एयर्स हैं इनके प्रेशर को क्या करते हैं, मीजर करते हैं। ओके, सो बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, थैंक्स।